आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रिटायर्ड गोरेलाल यादव जी हमारे साथ हैं और गोरेलाल जी, मोहन यादव को कृष्ण चेतना समिति ने यहाँ बुलाया था जी, जी। क्या यहाँ आने के बाद बिहार के जो यादव हैं उनका दिमाग, उनके दिमाग में कोई परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो सत्ता 1990 से लेकर अभी तक चल रही है उस सत्ता में कहीं कोई परिवर्तन बिहार के यादव लाएंगे? मेरी समझ से देखिए, आप कई लोग हैं ऐसे जो इसका अर्थ निकाल रहे हैं। हमारे समाज के यादव कुल के मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी एक रत्न हैं, और पूरे भारत में जबकि हमारी जनसंख्या 22 करोड़ से 25 करोड़ है, उनमें से एक ही राज्य के मुख्यमंत्री यादव बने हैं और वो भी मध्य प्रदेश के। हम लोग सब गौरवान्वित हैं, हम लोग सब उल्लासित हैं, सब लोगों के मन में उल्लास है। जैसे क्रिकेट का मैच इंडिया जीतता है तो जैसे क्रैकर फोड़ता है, जैसे पटाखा फोड़ता है, हम लोग भी उसी तरह से खुश हैं। क्रैकर और पटाखा फोड़ने जैसा है इस समारोह को, उसी दृष्टिकोण से किया गया है। कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और किसी का वोट बैंक इधर से उधर करने का भी उद्देश्य नहीं है। ये हमारे समाज के लोग जो हैं वो यादव पहले हैं, उसके बाद किसी पार्टी में हैं। पार्टी में रहना नहीं रहना उनके मन की बात है, हम लोग उसको प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर मोहन यादव जी को केवल उनका अभिनंदन और स्वागत करके दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी राज्य में किसी पार्टी से हो, सीपीआई सीपीएम से हो या बसपा से हो, किसी पार्टी से हो, हम उनका अभिनंदन करेंगे। यानी कि 2025 के चुनाव में कृष्ण चेतना मंच समिति जो है क्या भाजपा का समर्थन नहीं करेगी? देखिए, हम लोग किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, ये सामाजिक संगठन है और प्योरली गैर राजनीतिक है, और इसमें सभी पार्टी के लोग इसमें रहते हैं। इसमें हमारी संस्था में राजद के लोग भी हैं, हमारी संस्था में दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, या अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के भी हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बिहार के शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष हैं। हमारे उस संगठन में भी सभी पार्टी के लोग हैं। गोरेलाल यादव से भी बात किया और तमाम लोगों ने कहा, जो ये नेता है यादव के नेता, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम ये गैर राजनीतिक संगठन है, हम इस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।